ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर। तो इस इलस्ट्रेशन को अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर नज़र आ रहा है, और वो प्रोमिनेंट फीचर क्या है, ये जो ल्यूमेन है हमारे पास यूरेटर की, डैट इज़ इररेगुलरली शेप्ड और समवर्ट स्टार शेप्ड हमें नज़र आ रही है, और म्यूकोजल फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास स्टार शेप्ड ल्यूमेन है जो कि प्रोमिनेंट फीचर है ऑफ द यूरेटर। अच्छा, अब स्टार शेप्ड ल्यूमेन तो और भी ऑर्गन्स में हमने देखा था, जैसे कि अपेंडिक्स में भी हमने देखा था, लेकिन हमारे पास जो है वो सर्टेन डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर हम इसकी एपिथीलियम को सबसे पहले देखेंगे तो इसकी एपिथीलियम है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, अपेंडिक्स में ये एपिथीलियम प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर हैं इनका मोस्ट कॉमन फीचर है दोनों का, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर का। और मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर क्या है कि इसकी जो एपिथीलियम होगी डैट विल बी लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब ये हमारे पास स्टार शेप ल्यूमेन है, और ये जो हमारे पास हमें म्यूकोजल फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं ये अगेन डिसअपियर हो जाएंगे जब यूरेटर डिस्टेंट होगा। इसमें यूरेटर में जैसे ही यूरिन को वो हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा होगा फ्रॉम द किडनी टू दी यूरिनरी ब्लैडर, और डिस्टेंशन होगी यूरेटर की, तो ये फोल्ड्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। देन अगर हम बात करें तो जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 लेयर्स होंगी, और हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम के क्या फीचर्स हैं, कि हमारे पास जो सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे अपर लेयर होती है, उसमें डोम शेप्ड या अम्ब्रेला लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे। देन जो मिडल लेयर्स होंगी उसमें पॉलीकोनल शेप्ड सेल्स होंगे, और सबसे जो हमारे पास नीचे सबसे जो बॉटम लेयर होगी उसमें हमारे पास किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें क्यूबॉइडल शेप जो है वो सेल्स प्रेजेंट होंगे। देन हमारे पास अब ये जो हमने एपिथीलियम की बात की है, ऑब्वियसली ये हमारे पास किसका पार्ट थी, म्यूकोजा का। ठीक है, म्यूकोजा की जो सेकेंड लेयर है डैट इज़ लेमिना प्रोप्रिया, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में नज़र आ रही है एपिथीलियम के साथ। ठीक है, और हमारे पास अगेन क्या है कि लेमिना प्रोप्रिया के आउटसाइड हमारे पास इस केस में भी सब मस्कुलैरिस म्यूकोजा भी एबसेंट है, और हमारे पास सब म्यूकोजा भी एबसेंट है, जैसे कि हमने गॉल ब्लैडर में देखा था। देन हमारे पास मस्कुलैरिस आ जाती है जस्ट एक्सटर्नल टू दी लेमिना प्रोप्रिया। अब हमारे पास इसकी जो मस्कुलैरिस की लेयर है इसमें कुछ ट्रांजिशन है अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द जीएलटी। वो क्या ट्रांजिशन है कि इसमें जो अपर थर्ड्स ऑफ दी यूरेटर होगी, ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दें यूरेटर को अपर थर्ड पार्ट में और लोअर टू थर्ड्स पार्ट में, तो जो अपर थर्ड पार्ट है जो कि जैसे ही किडनी से निकल रही है, ठीक है, हमारे पास यूरेटर, तो अपर थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या होगा कि जो मस्कुलैरिस होगी उसमें दो ही लेयर होंगी, लेकिन हमारे पास क्या है कि इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी और आउटर सर्कुलर लेयर होगी। ठीक है, बाकी में तो हमने देखा ना कि इनर सर्कुलर होती थी और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन इस केस में इनर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की लेयर होगी और आउटर जो है वो सर्कुलर लेयर होगी। और अगर लोअर थर्ड ऑफ यूरेटर की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इनर लॉन्गिट्यूडनल होगी, मिडल सर्कुलर और आउटर अगेन लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, तो तीन लेयर्स हो जाएंगी इस तरह से। तो यही जो हमारे पास यूरिटेरिक मसल होते हैं इनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं ताकि ये यूरिन का फ्लो करवा सकें टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर। देन हमारे पास जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है डैट इज़ दी एडवेंटिशिया, और इसमें अगेन हमारे पास लूज फाइब्रोलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारे पास है यूरेटर की डायग्राम। अब इसमें भी अगर हम देखें तो स्टार शेप्ड ल्यूमेन है, और हमारे पास कौन सी एपिथीलियम है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, और इसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लेमिना प्रोप्रिया। अब लेमिना प्रोप्रिया के आउटसाइड हमारे पास मस्कुलैरिस म्यूकोजा भी एबसेंट है और सब म्यूकोजा भी एबसेंट है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जस्ट एक्सटर्नल टू द लेमिना प्रोप्रिया मस्कुलैरिस की लेयर आ जाती है जिसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल है और आउटर सर्कुलर स्मूथ मसल सेल की लेयर है। ठीक है,
और ये हमारे पास अगेन कौन सा पार्ट होगा जो अपर टू थर्ड्स ऑफ द यूरेटर है, ये उस पार्ट की हमारे पास हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, क्योंकि अपर टू थर्ड में इनर लॉन्गिट्यूडनल और आउटर सर्कुलर है, जबकि जो हमारे पास लोअर थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास तीन लेयर्स हो जाएंगी, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर अगेन लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये अपर टू थर्ड्स की डायग्राम है जिसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर दो लेयर्स प्रेजेंट हैं मस्कुलरिस में। देन सबसे एक्सटर्नली एडवेंटिशिया प्रेजेंट है जिसमें हमें फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, प्लस ब्लड वेसल्स और नर्व्स लिम्फैटिक्स नज़र आ रहे हैं। तो ये है हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर।